हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। अगर जीमेल अकाउंट बनाना नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ही आसान तरीके से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईमेल बनाने के लिए अपना YouTube ओपन कर लीजिए। जी अपना जीमेल एप्लीकेशन है वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम फिलहाल YouTube ओपन करेंगे। YouTube ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे ऊपर में लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। तो यह देख सकते हैं हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपना फर्स्ट क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं अविनाश और यहाँ पे अपना लास्ट नाम डालना है, हम यहाँ पर डाल लेते हैं कुमार। अपना जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 1/1/2002। तो यहाँ पे हमने कर लिया है जनवरी सेलेक्ट और यहाँ पर एक तारीख और ईयर्स कर लेते हैं सेलेक्ट। आपका जो भी ईयर्स रहेगा, तो मेरा 2002 है तो हम 2002 कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेना है या फिर मेल जो भी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करके अपना नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सिंपली से अपना नाम डाल देना है, अपना फर्स्ट नाम डालना है कैपिटल अक्षर में और दूसरा जो सेकेंड वाला वो डालना है स्मॉल लेटर में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपना नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर या डेट ऑफ बर्थ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आप किसी से मैच ना हो तभी ईमेल आपका सेलेक्ट ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने नंबर दे रहा हूँ 7739 और यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई बनाया है कि नहीं। तो ये बना ऑलरेडी बन चुका है ऐसा ईमेल, तो इसलिए ये लोड नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ पे दो अक्षर और बढ़ाएंगे, दो अक्षर बढ़ा देते हैं यहाँ पे 92 करके और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट दे दीजिए और यहाँ पे हमने पासपोर्ट डाल के और ये सेम ही पासपोर्ट नीचे डालना है। तो यहाँ पे चलिए हम डाल दिए हैं और यहाँ पे नीचे भी डाल देते हैं पासपोर्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे गलत हो गया तो सही कर लेंगे इसको और सेम पासपोर्ट जो ऊपर है सेम नीचे डालना है, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 8 डिजिट का पासपोर्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर सिंपली से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर के और जाना है और स्पीक का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पीक कर देना है और नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा तो नेक्स्ट कर देना और यहाँ पे आई ग्रेक पर क्लिक करके और यहाँ पे चेक इन ले रहा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा समय लेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल सर्विस हो रहा है और यहाँ पे चेकिंग इन्फॉर्मेशन आ गया और यहाँ पे ये मेरा ईमेल बन गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मेरा ईमेल बन चुका है, अब दिखा देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अविनाश कुमार और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे अविनाश कुमार, अभी जो ईमेल बना है वही ईमेल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ईमेल बना सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ईमेल बनाना बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए
आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जीमेल अकाउंट बनाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।